वीरता की विरासत, जादूनाथ सिंह। यह एक ऐसे सैनिक की कहानी है जो देश के लिए जिया और मर गया। जादूनाथ सिंह का जन्म 21 नवंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव खजुरी में हुआ था। उनके माता पिता बीरबल सिंह राठौर और जमुना कंवर गरीब किसान थे। उनका 8 बच्चों का एक बड़ा परिवार था। जादूनाथ जी ने गाँव के स्कूल से 4th कक्षा की पढ़ाई पूरी की। वहीं कुश्ती और शारीरिक गतिविधियों में अच्छे थे। एक युवा लड़के के रूप में जादूनाथ सक्रिय धार्मिक और अनुशासित थे। 25 वर्ष की आयु में वह फतेहगढ़ में राजपूत रेजिमेंट में शामिल हो गए। अपना परीक्षण पूरा राजपूत रेजिमेंट के 1st बटालियन में तैनात किया गया। उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने उनमें नेतृत्व और साहस की झलक देखी। वह द्वितीय विश्व युद्ध भी लड़े। उनकी वापसी पर जादूनाथ को नाइक के पद पर पदोन्नत किया गया और उन्हें सैनिकों के एक वर्ग की कमान सौंपी गई। सेना के हलकों में कहा जाता है कि जादूनाथ के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की थी और उनके रिश्तेदारों का भी पता नहीं चल सका। लेकिन युद्धनायक जादूनाथ की वीरता और नेतृत्व के अतुलनीय गुणों की विरासत हमारे देश के इतिहास के पन्नों से कभी नहीं मिटेगी। 6 फरवरी 1948 में नंबर 2 विकेट पर नंबर 2737 नायक जादूनाथ सिंह एक फॉरवर्ड सेक्शन पोस्ट की कमान संभाल रहे थे, जिसने दुश्मन के हमलों का पूरा खामियाजा भुगता। भारी भावदाओं के बावजूद इस छोटी चौकी पर 9 लोगों ने कब्जा कर लिया था। दुश्मन के इस पोस्ट पर कब्जा करने के लिए लगातार और बड़ी तीव्रता से हमला किया। पहली लहर एक क्रूर हमले में पोस्ट तक पहुंच गई। महान वीरता और नेतृत्व के अद्भुत गुणों का प्रदर्शन करते हुए नायक जादूनाथ सिंह ने अपने पास उपलब्ध छोटी सेना का इतना उपयोग किया कि दुश्मन पूरी तरह से असमंजस में पड़ गया। उनके 4 लोग घायल एक और हमले का सामना करने के लिए अपनी अधीन पराजित सेना को फिर से संगठित करके अच्छे नेतृत्व के अपने गुणों को दिखाया। उनकी शीतलता और साहस इस स्तर का था कि लोग एकजुट हो गए और दूसरे हमले के लिए तैयार थे, जो पिछले हमले की तुलना में अधिक दृढ़ संकल्प और बड़ी संख्या में आया था। हालांकि निराशाजनक रूप में संख्या में कमी होने के बावजूद नायक जादूनाथ सिंह ने वीरतापूर्वक नेतृत्व में इस पद का विरोध किया गया। सभी घायलों हो गए और नायक जादूनाथ सिंह हालांकि दाहिने हाथ में घायल हो गए, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से घायल ब्रेन गनर से ब्रेन गन ले ली। दुश्मन सीधे चौकी की दीवारों पर था, लेकिन नायक जादूनाथ सिंह ने एक बार फिर कार्रवाई में उच्चतम स्तर की अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की पूर्ण अपेक्षा करते तथा शीतलता और साहस का उदाहरण देकर उन्होंने अपने लोगों को लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उसकी आग इतनी विनाशकारी थी कि अस्त्र हार की तरह दिखने वाली चीज जीत में बदल गई और दुश्मन अराजकता में मृतकों और घायलों को जमीन पर छोड़कर भागा। सर्वोच्च वीरता के इस कार्य नेतृत्व और दृढ़ संकल्प के उत्कृष्ट उदाहरण के साथ नायक जादूनाथ सिंह ने दूसरे हमले को पोस्ट से बचा लिया। इस समय तक पोस्ट के सभी लोग हताहत हो चुके थे। दुश्मन ने इस पोस्ट पर कब्जा करने के लिए एक संख्या और दृढ़ संकल्प के साथ अपना तीसरा और अंतिम हमला किया। नायक जादूनाथ सिंह जो घायल हो गए थे, तीसरी बार युद्ध करने के लिए सच में बड़े साहस और दृढ़ संकल्प के साथ वह संघर्ष से बाहर आए और स्टेन गन फायरिंग करते हुए आगे बढ़ने वाले लोगों पर सबसे शानदार अकेले हमला किया। दुश्मन जो पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गया, अव्यवस्था में भाग गया। हालांकि नायक जादूनाथ सिंह को अपने तीसरे और आखिरी हमले में सिर और छाती पे 2 गोलियां लगी और वो वीरतापूर्वक मृत्यु को प्राप्त हुए। क्यों ना मिलता इन्हें परमवीर चक्र। ये कहानी थी जादूनाथ सिंह की, जिन्हें दूसरा परमवीर चक्र मिला था।